सो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका माय ग्रीन सॉल्यूशंस में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ MFC 004 ट्राइब्स ऑफ इंडिया आइडेंटिटी कल्चर एंड लॉ के सॉल्व्ड असाइनमेंट्स, वो भी 22 से 23 के सेशन के लिए। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का 22 से 23 का सेशन है, ये जो असाइनमेंट्स हैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इनका सॉल्व PDF अगर आपको चाहिए या फिर हैंड टेस्ट के ऑर्डर्स अगर आपको देने हैं, तो आप हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको लेके चलती हूँ अपने MFC 004 के सॉल्व्ड असाइनमेंट्स पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने MFC 004 के असाइनमेंट पे, जो कि हमारे सॉल्व्ड असाइनमेंट्स हैं, वो भी 22 से 23 के सेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्टली इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट इग्नू की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके क्वेश्चन पेपर को, तो फर्स्टली यहाँ पे इसका आपको जो सब्जेक्ट कोड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड, कवरेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो असाइनमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपके टोटल 100 मार्क्स के आपके असाइनमेंट्स हैं, जिसमें यहाँ पे एक नोट आपको देखने को मिलेगा, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यानी कि आपको इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से केवल आपको इनमें से 5 ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। सभी क्वेश्चंस हमारे इक्वल मार्क्स के हैं। तो आप जब भी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो असाइनमेंट्स के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना होता है, तो पहली है, जब भी आप अपने असाइनमेंट्स को बनाते हैं तो आपको ब्लैक एंड वाइट शीट का आपको यूज़ करना है, कलरफुल शीट्स का आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और ब्लैक एंड ब्लू पेन का आपको यूज़ होगा, ब्लैक पेन से आपका क्वेश्चन होगा एंड ब्लू पेन से आपका आंसर लिखा जाएगा। एंड स्टूडेंट, जब भी आप अपने असाइनमेंट्स को बनाते हैं, तो आप कोशिश करें आपके असाइनमेंट्स नीट एंड क्लीन तरीके से होने चाहिए, सेम राइटिंग होनी चाहिए, अलग अलग राइटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कुछ मैंने आपको पॉइंट्स आपको बताए हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं अपने एग्ज़ाम को, आपको असाइनमेंट्स बनाने के दौरान। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, किस तरीके से जो सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड करे हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द पॉलिटिकल एंड सोशल डिबेट्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ द नॉमेनक्लेचर ट्राइब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप इन सॉल्यूशंस को वीडियो को पॉज करके या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी इनको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे जो सॉल्यूशंस है वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड करे हैं, वो भी कंटेंट वाइज, वर्ड्स लिमिट को ध्यान देते हुए। और अगर आपको स्टूडेंट्स इनके ऑर्डर्स अगर आपको देने हैं या फिर सॉल्व PDF या फिर हैंड टेस्ट के ऑर्डर्स अगर आपको देने हैं, तो आप हमें गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, आज के जो असाइनमेंट्स हैं हमारे वो हैं MFC 004 के। तो यहाँ पे आज का जो वीडियो है स्टूडेंट्स वो हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आपको इनके ऑर्डर्स अगर आपको देने हैं तो आप हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।